6 महीने निकल गए, आधा साल खत्म हो गया। तो 2024 की अब तक आई हुई मूवीज में से टॉप 10 बेस्ट कौन सी हैं जो मैंने देखी, मैं अपनी लिस्ट बताऊंगा, तुम अपनी बताना कमेंट्स में। शुरुआत करते हैं नंबर 10 अजय देवगन आर माधवन की शैतान। बहुत ज्यादा डरावनी भी नहीं थी, देख के फट गई। हॉरर के नाम पे कुछ भी नहीं था, देख के फट गई। सबसे ज्यादा खतरनाक पिक्चर इंट्रो में ही फील होती है, देख के फट गई। अपने आप में देखने जाओगे तो पिक्चर का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है कि आप अपने फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गए हो अपने रैंडम सा बंदा आता है, एक छोटा सा पेड़ा खिलाता है और तुम्हारी बेटी उसके वश में, वशीकरण। कैसे डील करोगे ये सिचुएशन? पिक्चर की सेटिंग के बाद जो नेक्स्ट अच्छी चीज दिखती है वो है एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। आर माधवन के लिए इसको टॉप 10 में ऐड कर दिया, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ये जिस मूवी का रीमेक है वो अपने आप में टॉप 5 तो डिजर्व करती है, टॉप 3 भी। लेकिन शैतान को थोड़ा फैमिली फ्रेंडली बनाने के लिए एंडिंग चेंज कर दी, तो टॉप 3 से आती है सीधा नंबर 10। नंबर 9 एक बहुत ही ज्यादा फील गुड होलसम और पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखोगे काफी अच्छा टाइम जाएगा ऐसे पिक्चर है। थिएटर में लगी थी, मैंने देखी लेकिन उतनी चली नहीं। ओटीटी पे आने के बाद चारों तरफ वो सजनी रे, इंग्लिश में बताया तुमको, पिक्चर का नाम है लापता लेडीज। इसका कॉन्सेप्ट भी काफी यूनिक बोलोगे, शादी करने के बाद दुल्हन को लेके बंदा अपने घर आ रहा है और ट्रेन में वाइब की अदला बदली, खुद की बीवी हो गई है तो थाने में रपट लिखाने जाता है और वहाँ पे एक ही फोटो है घूंघट के अंदर, वेल डन माय बॉय। गांव देहात की एकदम ही ऑथेंटिक रियल से रियल फील करवा देने वाली सेटिंग, फिर भी बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश की है आजकल की जनरेशन जो शहरों में बैठ के सीख सके। एंड काफी अच्छे नोट पे होती है, रवि किशन के लिए तुम सैल्यूट मार सकते हैं और थोड़ा बहुत आंसू भी निकल सकते हैं। नंबर 8 इसके लिए हम लोग चलते हैं वापस बैक टू हॉरर, और एक्चुअली हॉरर के नाम पे बहुत ज्यादा हॉरर इसमें भी नहीं है लेकिन शैतान से ज्यादा। आधे से ज्यादा टाइम तो मेरी इस बात को सोच के फटी हुई थी कि क्या नहीं दिखा रहे, कौन है वो, कहां से आया है, बहती आवाज से जरा ढूंढो। मेजॉरिटी मूवी का सिर्फ एक घर के अंदर टेक प्लेस करना जिसमें भी 3 ही कैरेक्टर्स हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को ऐड करके जो चीजें एक्सप्लेन करी हैं और नहीं भी करते, एक बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट फेंक के मारते। देखते वक्त ऑलमोस्ट 2.5 घंटे तक मजे ही मजे। पूरी पिक्चर का ब्लैक एंड व्हाइट में होना, ममूती का परफॉर्मेंस, इसका स्कोर, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक तुम सुन रहे हो, एकदम खतरनाक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जो कि थोड़ा और लंबे तक चलता तो शायद मुझे बाथरूम जाना पड़ता। तुमने अब तक नहीं देखा मेरे बोलने के बाद, अगर देखने आ रहे हो तो मैं पहले बता दूं कि बहुत ज्यादा पट्टू इसलिए मुझे ज्यादा डर लगा, तुमको नहीं लगे तो तुम कायर हो। नंबर 7 पे रखी है आर्टिकल 370, इसलिए नहीं कि डायरेक्टर को पॉडकास्ट बुलाया था, बल्कि एक्चुअली एक अच्छी पॉलिटिकल थ्रिलर देखने मिली जो कि बहुत ज्यादा फैन सर्विस नहीं करती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। क्योंकि इस कैटेगरी में बनी हुई मेजॉरिटी मूवीज ट्राई करती है तुम्हारे इमोशंस का फायदा उठाए, अच्छा फलानी चीज को लेके लोगों के सेंटिमेंट्स काफी हाई हैं, बना दो पिक्चर एकदम एजी, थिएटर भर जाएंगे। और सच बोलना तो मूवी को थिएटर में देखने जाने से पहले मैं यही सोच रहा था कि इसी टाइप की मूवी देखने मिलेगी, लेकिन नहीं, इट वॉज अ बिग सरप्राइज। नंबर 6 पे पूरे वीडियो की सबसे लेटेस्ट मूवी, 6 के आगे 2 0 लगा दोगे तो उसका बजट बनेगा, रिलीज होने के बाद अपने को इंडियन सिनेमा में एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स मिल गया। तुमको बताया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कल की 2898 AD। काफी सारी बातें ऑलरेडी इसके बारे में बोल चुका हूँ, एकदम रिसेंट है तो तुमको शायद याद भी होगा, महाभारत वाले सारे सीक्वेंस, उसके रेफरेंस, अमिताभ बच्चन, पूरे वर्ल्ड का जो कंस्ट्रक्शन है, कमल हसन, दीपिका पादुकोण का वो वॉक, बहुत सारी चीजें मूवी ने अच्छी करी। फर्स्ट हाफ के अंदर वो जो थोड़े बहुत डिप वाले मोमेंट अगर छोटे होते तो इस लिस्ट में और ऊपर होती, और ऑनेस्टली कल की मूवी ने ओवर डिलीवर किया इन टर्म्स ऑफ इट्स विजुअल्स, VFX, CGI। एक बड़ा रीजन इसके पीछे मान सकते हो कि मूवी के मेकर्स का अच्छा नॉलेज था टेक्नोलॉजी के बारे में, इतने पैसों में क्या कैसे और कितना पॉसिबल है, वरना सेम अमाउंट में एक दूसरी पिक्चर बनी थी फिर से उस तरफ नहीं जाते, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर, पिक्चर के VFX से लेके AI तक, इतना इंपॉर्टेंट स्किल अगर अच्छे से सीखना चाहते हो तो स्केलर ट्राई करना, क्यों, इसमें आपको वो लोग सिखाएंगे जो खुद दुनिया भर की टॉप टेक कंपनीज में काम करते हैं, और 93.5% लर्नर्स को प्लेसमेंट भी मिली है Amazon, Microsoft, Walmart, Jio, Flipkart जैसी कंपनीज में विद 150% मीडियन सैलरी हाइक। स्केलर पे 1-on-1 मेंटरशिप और मॉक इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन भी करवाएंगे। स्केलर आपको फ्री लाइव मास्टर क्लास देता है, और ऑनलाइन प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग भी सीख सकते हो। तो फ्री लाइव क्लास बुक करो स्केलर पे और अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करने की ओर पहला कदम बढ़ाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। नंबर 5 पे जो मूवी है वो तुम में से शायद बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी क्योंकि देखी नहीं है, देखी है थिएटर में तो पिक्चर पिट गई थी, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के इतना ऊपर रखा है क्योंकि फुटबॉल, अजय देवगन की ही शैतान से राइम करने वाली मैदान। पिक्चर में वो कोच का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस फुटबॉल को जिस तरीके से दिखाया है, अगर देखने जाओगे तो लास्ट वाले मैच में एक शॉट होगा भैया ऊपर से, इट फेल्ट लाइक अ वेट फीवर ड्रीम,
इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में जो गोल्डन पीरियड था 1952 से लेकर 62 उसकी कहानी बताते हैं। और इसका सबसे बड़ा अगर ड्रॉबैक नेगेटिव पॉइंट करने जाओ तो स्पोर्ट्स बायोपिक अगर तुमने अच्छी खासी देख रखी है काफी सारी चीजें प्रिडिक्टेबल लगेंगी, लेकिन अगर फुटबॉल फैन हो पक्का देखना। नंबर 4, इम्तियाज अली केम बैक, इस बार रणबीर कपूर के साथ नहीं बल्कि दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा। एक्सपेक्टेड नहीं था, एकदम से पिक्चर गिराते ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चमकीला, जो कि रियल लाइफ में एक सिंगर थे अमर सिंह चमकीला, उनकी लाइफ पे बेस्ड है। वैसे तो है ये भी एक बायोपिक, लेकिन जो मैंने नेगेटिव मैदान के लिए बोला वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। स्ट्रक्चर चेंज करने के साथ साथ जो चीजें इसके अंदर बताई गई हैं वो तुम यूजुअली बायोपिक्स में नहीं देखते, क्योंकि जब वो गाने गाएंगे मोस्टली पंजाबी में होंगे। अगर गलती से एक आधा लिरिक समझ गए यू विल बी लाइक है? तुमको लगता था सिर्फ तुम ही नोटी हो। और क्योंकि इसको देखते देखते कैरेक्टर्स और उनकी मजबूरी से इतना कनेक्टेड हो जाओगे। पिक्चर की स्टार्टिंग में तुमको एंडिंग दिखा दिया था, लेकिन फिर से जब उसको रिविजिट करेंगे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे अरिजीत सिंह आएंगे और सबको रुलाएंगे। एक आधा डायलॉग इतना सही लिखा है मन में बैठ जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत सही बाद में सोचेंगे। आज अपना टाइम चल रहा है, जब तक हो रहा है पैसे कमा लो। आइडिया बुरा नहीं है वैसे, स्पॉन्सर वीडियो नहीं होता तो कुछ और बोल चुका होता मैं। इससे पहले कि टॉप 3 पे जाएं, ऑनरेबल मेंशन जो कि पिक्चरें अच्छी ठीक ठाक थी लेकिन इस लिस्ट में नहीं आ पाई, जिनमें सबसे नीचे रखना चाहूंगा गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, ऐसा कुछ तो नाम था। मेरे अंदर वो इंसान अभी जिंदा है जिसको सस्ती मस्ती पसंद है, जब सस्ती मस्ती दिख गई तो उसने सस्ती मस्ती में इसको लिस्ट में ऐड कर दिया, डील विद इट। ऋतिक रोशन की फाइटर को स्पेशल मेंशन एफर्ट्स डालने के लिए और इसके स्टार्टिंग में बड़े स्टार्स लेके एक थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेने के लिए। अगर लास्ट के 15-20 मिनट में वो टट्टी नहीं करते तो मे बी ऑफिशियल लिस्ट में भी आ जाती। इनके थोड़ा ऊपर मडगांव एक्सप्रेस, ऐसा बहुत बार लगता है कि हिंदी सिनेमा के अंदर प्योर कॉमेडी मूवीज नहीं बन रही, जो बनती है उनमें मजा नहीं आता, इसने दिलाया था। मडगांव एक्सप्रेस के थोड़ा ऊपर रखना चाहूंगा उस मूवी को जो कि ऑलमोस्ट टॉप 10 में आने ही वाली थी, कैप्टन मिलर। स्टाइल 101 पॉइंट, धनुष 150 पॉइंट, इसका म्यूजिक 200 पॉइंट, भाई आज भी सुनता हूँ। किलर किलर कैप्टन मिलर। आखिरी पिक्चर इन ऑनरेबल मेंशंस में जिसको लेके बहुत खुजली मच रही थी कि एटलीस्ट नंबर 10 पे तो रख दूं क्या, लेकिन नहीं रखा क्योंकि वो टेक्निकली पिछले साल रिलीज हुई थी इंडिया में अब एक दो महीने पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो वैसे इसको इस वीडियो में होना ही नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि इतनी अच्छी तो मैं डाल रहा हूँ, गॉडजिला -1 जाके देखो। नंबर 3, जिसको आईमैक्स थिएटर में मैंने देखा था सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, कोई वीडियो बनाने का प्रेशर नहीं, और उसने जो एक्सपीरियंस डिलीवर किया एक्शन लाजवाब। क्रिस हेम्सवर्थ चुम्मेश्वरी, आन्या टेलर जॉय आई सी यू। लेकिन तुम में से शायद कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा कि फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा को इतना ऊपर क्यों रखा, क्योंकि तुम्हारा चांस मिस हो चुका है इसको थिएटर में देखने का। जिस तरीके से वो सीन्स तुम एक्सपेक्ट करते हो कि अब हो गया कट कर जाएगी, लेकिन नहीं, पिक्चर होल्ड करती है और उसके अंदर एक्शन डालती है। दिस इज एक्चुअली एन एक्शन लवर्स वेट ड्रीम। थोड़ा बहुत VFX के इशू लगे थे मुझे, शायद नेगेटिव्स उतने अच्छे से याद नहीं, क्योंकि मैं तो खो गया था इसके एक्शन में। नंबर 2, गेस करो, मलयालम मूवी है मैनजुमेल बॉयज। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी थी इसके बारे में थिएटर में जाकर, जब मैंने देखा तो आई वॉज शॉक्ड। सर्वाइवल थ्रिलर है जहाँ पे एक इंसान केव में गिर जाता है बहुत नीचे और उसके 8-10 दोस्त पूरी जान लगा रहे, सारी मेहनत कर रहे हैं उसको वापस निकालने में। सिचुएशन कितना खराब और वो लोकेशन कितना डेंजरस है, इसकी सीवियरिटी मूवी बहुत ही अच्छे से कन्वे करती है, जिसके कारण आधे से ज्यादा टाइम मैं यही सोच रहा था कि कैसे करेंगे वो लोग। आई थिंक आई नो दी आंसर, लेकिन कैसे करेंगे वो लोग। ऊपर से तुम सोचो कि दिस इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो एक और मीनिंग, अलग एक फीलिंग ऐड कर देता है वो पिक्चर में। मंजुमेल बॉयज पक्का से पक्का देखना, टॉप 2 हो गया। फिर से याद दिला दूं कि ये 2024 के पहले 6 महीने की मूवीज है, बस 30 जून कट ऑफ डेट था। अगले 6 महीने में ऐसी कौन सी मूवीज हैं जो इस लिस्ट को चेंज कर सकती हैं, नंबर 1 नंबर 2 बन सकती हैं, कमेंट्स बताना और जा रहे हो तो सब्सक्राइब। नंबर 1, आई डोंट थिंक सो, मुझे नाम बताने की जरूरत है, इफ यू नो मी वेल इनफ अब तक फिगर आउट कर लिया होगा। नंबर 1 पे मैं रख रहा हूं ड्यून पार्ट 2, क्योंकि आई थिंक मैंने इस पिक्चर को 3 बार थिएटर में देखा, जिसमें से एक तो आईमैक्स विद लेजर था, और जब मैंने वो स्केल देखा भाई, दिस इज लाइक द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड। अवतार द वे ऑफ वाटर का भी नहीं टिकता इसके सामने। विजुअल्स तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह थे ही, लेकिन इसका साउंड डिजाइन, अपना हीरो जो पूरा कमांड कर रहा है वो ट्रायंफ वाले मोमेंट एक से ज्यादा है पिक्चर में, बाय द वे हर बार देखता हूँ गूज़बम्स आ जाते हैं। बड़ी से बड़ी आर्मी वाली बैटल उन्होंने दिखाई तो है, लेकिन एकदम कम, क्योंकि मेन फोकस चाकू छुरी वाली बैटल पे करना था। और हर बार जब भी पिक्चर खत्म होती है इसका आखिरी एकदम लास्ट फ्रेम देख के रियलाइज होता है, ड्यून पार्ट 2 इज अ ट्रेजेडी। यू सब्सक्राइब।